दोस्तों आपका जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अचानक ही हम सेक्टर 28 से निकल रहे थे चंडीगढ़, तो चितेंद्र जी यहाँ दिखाई दिए। इनको कौन नहीं जानता, जूडो में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं दूर दूर तक जाके, सही बोल रहा हूँ जी, है ना, काफ़ी दूर तक। तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है जूडो में, और क्या आपके पास इसका बैलेट कौन सी है ना? तो ये जूडो नहीं है, दिस इज कराटे। कराटे, जूडो कराटे है ना, मतलब एक उसकी फॉर्म ही है ना। हाँ, ये दोनों गेम अलग अलग है ना, जूडो इज डिफरेंट गेम। तो कराटे में आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में? ब्लैक बेल्ट, वही हाँ मैं क्वेश्चन। जैसे अक्षय कुमार भी ब्लैक बेल्ट है बोलते हैं ना, अक्षय कुमार भी बोलते हैं, वो कराटे में ही है ना, कराटे में से। तो आपने ये कैरियर कब स्टार्ट किया अपना, जब छोटे बच्चे थे? मैं कोचिंग कर रहा हूँ सर 97 से। नहीं, कोचिंग नहीं, वो कह रहा कि आप कराटे में खुद के कब आए, छोटे बच्चे कितनी एज में आ गए थे? 94। नहीं नहीं, एज कितनी थी आपकी? एज था सर अपना 15-20 साल जैसे ऐसे बोल रहा था मैं, है ना। हाँ, तकरीबन है ना 16-17 साल की एज में। तो आपको इस गेम ने काफी कुछ दिया होगा, क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस वो बताइए पूरा, है ना। सबसे पहला तो ये कि बच्चे जो है फिजिकली फिट रहते हैं जी, मेंटली भी फिट रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जी जी, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है जी। और स्पोर्ट्स भी है, बच्चे को जो है बेनिफिट भी मिलते हैं इसके जी। तो जॉब्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती है कराटे का, है अच्छा चांस कराटे में? चांस बिल्कुल। आपको ऐसे कोई जानते हैं जो बहुत हायर पोस्ट पे गए हों इस वजह से? बाकी गेम में हम एथलेटिक्स में बोलते हैं कि कोई ना कोई बंदा SSP है, IG है, कुछ ऐसे है ना, थ्रू स्पोर्ट्स? थ्रू स्पोर्ट्स सर ऐसा है कराटे में थोड़ा, देखिए ये है जो नेशनल बॉडीज है ना जी, ये तो मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है, पर ये है कि हमारे स्टेट में हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है, इंटर स्कूल में भी कराटे आ चुका है जी, तो बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा इसका, तो अप्रिशिएट भी कर रही है ना, मतलब लोग सोसाइटी जी, ये अच्छी गेम है। तो जैसे लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे बहुत से केसेस हम देखते हैं, रेप केसेस ऐसे होता है, तो ये लड़कियां तो अपनी सेफ्टी खुद कर लेती है ना, छोटी बच्चियां आजकल जो माहौल चल रहा है। ये आपके स्टूडेंट ही है साथ में जो खड़े हैं? ये हमारे कलीग्स हैं सर। ये भी ब्लैक बेल्ट है, सीनियर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसको ही बोलते हैं आज हम दिखा रहे हैं, यही होती है ब्लैक बेल्ट। दोस्तों ये देखो सारी दुनिया ब्लैक, और कौन कौन सी बेल्ट होती है सर? ब्लैक से नीचे होती है। अच्छा, सारी यानी व्हाइट से स्टार्ट होके ब्लैक में। अच्छा, ये सबसे बड़ा कलर ब्लैक बेल्ट है ना, सबसे बड़ा कलर। तो ये बांध के मतलब प्राउड भी फील होता होगा आपको? जी सर, मेहनत होती है अपनी। नहीं, प्राउड फील होता होगा बहुत के यार, ब्लैक बेल्ट बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बात है कि अक्षय कुमार के पास भी है और मेरे पास भी है ना। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा सर अश्विनी नाम है। अश्विनी जी, तो आपको भी बहुत बढ़िया इससे रिस्पॉन्स मिला है ना? हाँ जी सर, मतलब इस गेम ने आपको बहुत कुछ दिया, सिखाया भी और दिया भी। मतलब असली बात तो यह है, जैसे सर बोल रहे थे, तो असली बात तो यह है कि हम दूसरी गलत हैबिट्स में नहीं पड़ते, कभी भी नशा नहीं कर सकेंगे, कभी और चीजें, सारा टाइम इधर ध्यान है ना होगा। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नजरुल इस्लाम। अच्छा, आप भी इसी गेम से? नहीं, मैं तो गदा स्पोर्ट्स से हूँ जी, मैं पंजाब से हूँ, मोहाली से। आज इन्होंने इनवाइट किया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या गेम कौन सी है? गदा स्पोर्ट्स। गदा, वो बजरंग बली गदा, वो अच्छा, वो स्पोर्ट्स भी शुरू हो गई जी, वो काफी टाइम से। अच्छा, तो आपको भी मिलेंगे उसके बारे में, वहाँ स्टूडेंट से बात करेंगे ना। तो आप यहाँ दिखा दीजिए इनको, स्टूडेंट्स को एक कोई इनकी इवेंट दिखा दीजिए। आप एक कर सकते हो? हाँ सर, एक प्लीज एक करवा दे, एक फिर बच्चों की करवा दें, खड़ा होगा तो एक करवा दीजिए ना। अच्छी कोई अच्छी, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सारे बच्चों को इकट्ठा करो बना लो पहले। आप किसके साथ करोगे? इनका क्या नाम है? थोड़ा हम फन भी करेंगे तो हर्षी, तो जैसे आप भी ब्लैक बेल्ट हो, तो आपका नाम क्या था? अश्विनी और हर्षी, ठीक है। तो अश्विनी और हर्षी आज आपको अपनी हर्ष रोहित, चलो आप स्टार्ट कीजिए कुछ, और बताइए, बताते भी रहिए कि कौन से एक्शन है। रोहित,
ये कितने स्टूडेंट्स अभी हैं? सारे बहुत खुश हैं ना? 40 होंगे, 40 तकरीबन सारे। ये प्राइवेटली सिखा रहे हो आप? ये सर प्राइवेटली ही है, सिखा रहे हो ना? हमारे चंडीगढ़ कराटे एसोसिएशन के फैक्ट्री का भी हमारे पास। अच्छा, श्री मंत्राम मौर्य जी वो कहाँ है? वो सर वहीं खड़े हुए नीली टी शर्ट में। नीली टी शर्ट वाले वो चंडीगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी से। और अपने अपने अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। उसको भी पिलाते हैं सभी को लास्ट में, थोड़ा सा वैसे इसी में सर को दिखाना है। ये फिल्मों में भी ऐसे ही शो करते हैं सर? गेम अलग होगी और नहीं नहीं, जैसे आप कहते हो डमी फाइट हो रही है, वो फिल्मों में भी डमी उसको शूट करते होंगे ना? हाँ जी सर, यही बोल रहा था ना। ये इसकी लैंग्वेज होती है जो आपने बोला, क्या होता है स्टार्ट करने के लिए? हजमे हजमे, इट्स जैपनीज गेम है। ठीक है, ओ सर यमे का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप करना। यमे जैसी सामने ने कोई स्कोर करा है, मींस पॉइंट्स लिया है जी, तो उसी टाइम रेफरी जो होगा तुरंत स्टॉप कराएगा और जिसका स्कोर होगा उसका स्कोर, इनका स्कोर हो गया। अब मान लो इसने पंच का स्कोर लिया, पंच का स्कोर होता है एक स्कोर जी, तो उसको देगा आपका आपका 14 अंक देखो। ठीक है, फिर दोबारा फाइट स्टार्ट। अच्छा, आपने इनको स्कोर दिया अभी? एक स्कोर, एक स्कोर इनका मतलब पंच का था, पंच का था जी। तो अब फाइट दोबारा स्टार्ट कराएंगे जी। सुजुकी स्मैक, ये पॉइंट हुआ? नहीं। अच्छा, क्लियर क्लियर। अच्छा, ये मतलब अभी पॉइंट हो गया फिर? हाँ जी। अब इनका पॉइंट हुआ है? इन्होंने किक मारी, इन्होंने किक मारी है जो पीछे है ना, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए है ना। हजारी इसका सर 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट इनको, 3 पॉइंट हो गए इनके टोटल, 3 पॉइंट हो गए। तो ये कितने पॉइंट की गेम होती है? ये सर पॉइंट तो जैसे लीड होती है 8-0 6-0। ठीक है सर, जिसने टाइम से पहले 1 मिनट की फाइट होगी, 2 मिनट की फाइट होगी, 1.5 मिनट की फाइट, टाइम का है, टाइम ड्यूरेशन है सर। जिन्होंने पहले स्कोर कर लिया वो विन होगा जी जी। अब हम जैसे 1 मिनट की फाइट कर रहे हैं, तो अभी एक दो अभी टाइम पड़ा है, समझ लो टाइम है, एक चांस और। अब सर इनके पास अभी टाइम चलता रहेगा, लीड है हमारी 8-0 की, तो जी, इनके ओके 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 3-0। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू चलाएंगे। हजमे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमने इनको बताना ही था, ये हमने आपको डमी फाइट दिखाई, तो आपको सेक्रेटरी साहब से भी मिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये विन कर गए हैं मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं यहाँ है ना, कराटे एसोसिएशन के, तो इनसे मिलाते हैं आपको। हाँ जी, वेलकम सर हमारे प्रोग्राम में। तो आपके बारे में बता रहे थे वहाँ, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है ना, टेक्निकल डायरेक्टर है। तो आपको कैसा फील होता है इन बच्चों के साथ है ना? तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जी, बच्चे हैं जो बाहर, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आप जो इंटरनेट वगैरह से दूर रहते हैं, फोन से। वाह वाह, ये बात की आपने सबसे। दूसरे चीज़ तो है फिजिकल फिटनेस हो गई जी, और बच्चे मेन है कि अपना जो माइंड, इसमें माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 17 सेक्टर में म्यूजिक कॉर्नर है ना, मैं ना थोड़ी अच्छी बातें जॉली करता हूँ, तो वहाँ म्यूजिक कॉर्नर पता ना आपको शर्मा जी का, तो वहाँ एक 8 पर्सन आया, तो गेम्स मांग रहा था, गेम्स मांग रहा था, तो उसके हाथ ऐसे ऐसे काम रहे, यंग ही था, कुछ ज़्यादा एज भी थी। तो मैंने जो वो जब चला गया, तो कम से कम वहाँ 300-400 गेम्स पड़ी थी, तो उसने कहा ये तो मैंने सारी है मेरे पास। तो सबसे डेंजर बात, वो 4-5 हज़ार रुपये की एक गेम है, वो 2000 से स्टार्ट होके बस 10-12 लाख की वो गेम्स लेके बैठा है। तो मैंने फिर शर्मा जी से पूछा जब वो चले गए म्यूजिक कॉर्नर वाले से, मैं कह यार इसका क्या हाल है, ये ऐसे काम क्यों रहा था और कौन सी गेम मांग रहा है? कहते ये तो ना मतलब क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल बन चुके हैं देख देख के। मतलब उस गेम में मैंने उसको क्वेश्चन किया कि यार ये आप कह रहे हो जो गेम क्या होती है? कहते इसमें ब्लड ऐसे लगता है असली। तो मैं यार असली से तेरे को क्या खुशी मिलती है ना, मतलब इन चीज़ों से दूर कर रहे हो आप लोगों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कोरोना के बाद एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ स्ट्रेस भी हो गए थे, स्ट्रेस भी हो गए थे और प्लस फिर मोबाइल के साथ जुड़ भी गया, पूरी दुनिया स्ट्रेस हो गई थी है ना। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन बच्चों के लिए? फ्यूचर प्लान तो यही है सर कि बच्चे अपना 12th पे आगे जी स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, तो वर्ल्ड लेवल पे इनको कहीं लेके जाएं है ना। तो सर सबसे बड़ी बात है लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट के
हमारे बच्चे, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, स्पोर्ट्स में इतने मेडल्स क्यों नहीं हासिल कर पाते? क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली? क्या सर, मेन तो है कि जो ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना बच्चों को, जी वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे देखो कैसे ग्राउंड में आप कर रहे हो, है ना, क्या ये है कि पहले के मुकाबले धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, फर्क तो है। अब जैसे हमारे मेडल टैली बढ़ रही है, एशियन में मेडल बढ़ी, ऐसे धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगले अगर इतने प्यारे बच्चे हैं तो इनके लिए तो जैसे हम हॉकी में टर्फ चाहिए अच्छे, तो हर चीज है ना, तो जैसे रेसलिंग में अच्छे उनको मैट चाहिए, टॉप मैट चाहिए, तो इन चीजों का फर्क तो पड़ेगा अगर हम इनके लिए कुछ करें, है ना। बट ये कि जो कराटे में उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, बस इनको सिंपल सा एक इंडोर हॉल हो जाए और मैट्स वगैरह हो जाए तो बहुत बढ़िया होता। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कराटे के लिए कि बच्चों को कैसे उत्साहित करना चाहोगे कि मोटिवेट क्या करोगे, है ना? सर मेरी तरफ से तो कराटे के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ी जो आज के यंग जनरेशन के लिए यही है कि कराटे सीखें जी, जिससे अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएं जी, प्लस फिजिकल फिटनेस आपकी स्ट्रॉन्ग बनना है, प्लस आपने इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ स्पोर्ट्स के रहते हुए आप अपने जॉब वगैरह जो भी है आपका स्पोर्ट्स एज ए करियर भी बढ़ा सकते हैं। सर अगर जॉब नहीं भी मिलती मुझे ना, कोई स्पोर्ट्स मैन अभी मिले कोई अच्छे, PhD उनका मैंने इंटरव्यू किया, डॉक्टरेट है वो कहते मतलब स्ट्रेस का तो लेना देना ही नहीं अगर स्पोर्ट्स कर रहे हो। सबसे डेंजरस बात जो है पूरी दुनिया में ना, हर बंदा कहता है मैं डिप्रेस हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो वो तो लेना देना ही नहीं है। एक तरह से क्या है ना सर, स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स करता है ना, उसमें क्या रिक्रिएशन होता है जी, रिक्रिएशन बॉडी का भी, माइंड का भी। जब आप गेम कर रहे हैं तो डेट मींस आपका पूरा माइंड गेम, सोल का भी, पूरा माइंड आपका गेम के अंदर है कि मुझे ये करना है, मुझे अगर फाइटिंग कर रहे हो तो फाइटिंग में कैसे करना है, फाइटिंग में दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ अलग से टाइप के वो करना है, तो उसमें माइंड रहना है कौन किस कॉम्बिनेशन में पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, तो आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है, उसके लिए सारा माइंड आपका वही रहता है, बाकी चीजें आप सब भूल जाते हैं। तो आपने जब सब कुछ बोलना है तो आप स्पोर्ट्स में अपना ध्यान ज्यादा दीजिए, पूरी दुनिया में जैसे नशा फैल रहा है तो उस नशे से बचिए प्लीज, तो स्पोर्ट्स की तरफ आइए, आप इनको दिखाइए बच्चों को, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये, है ना, डिसिप्लिन कितना अच्छा है इनका, देखिए आप एक फॉर्म है जी, जैसे योगा है हमारी जी, ये एक तरह से योगा के, योगा के स्टेप ही है, योगा मतलब ये डिफरेंट जैपनीज योगा के भी बोल सकते हैं जी जी, ये जो कराटे है मार्शल आर्ट की सोल इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे इसके स्टेपिंग हर किसी में, दोस्तों ये आपको जो दिखा रहे हैं जैसे हम योगा करते हैं ना, रामदेव जी योगा करवाते हैं, तो ये जैपनीज फॉर्म है योगा की, तो इससे माइंड आपका, सोल आपकी, बॉडी सब कुछ रिलैक्स रहता है, ब्रीदिंग है, शाउटिंग है। अच्छा, ब्रीदिंग होती है तो कमाल है ना, ब्रीदिंग भी है इसमें, तो आपको पता होगा ओशो बोलते हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न जिसका ठीक है वो तंदुरुस्त है, ब्रीदिंग पैटर्न की गेम है ये, साथ में आवाज निकालते हैं तो अग्रेशन है, तो अग्रेशन के साथ आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है ना, इट्स गुड। आपको फिर मिलेंगे सर, किसी अच्छी मुलाकात करेंगे इनके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।